तो यहाँ ऋषिकेश से हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का सफ़र शुरू होता है। आज की हमारी जर्नी होगी वाया बस फ्रॉम ऋषिकेश टू गोविंद घाट, जो कि 250 किलोमीटर का काफ़ी लंबा सफ़र है। यहाँ ऋषिकेश बस स्टैंड से आपको सुबह 5:30 बजे बस मिल जाएगी, जो आपको सीधा गोविंद घाट ड्रॉप करेगी। केवल 1 से 2 बस ही चलती हैं इस रूट पर, जो कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच में अपनी जर्नी स्टार्ट कर देती हैं। तो इसीलिए हम भी सुबह सुबह उठकर निकल पड़े अपने इस प्यारे से लंबे सफ़र पर। पहाड़ों में सफ़र करने की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं और फिर लगता है एक लंबा वाला ट्रैफिक जैम। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर लगभग 2 से 3 घंटे से यहाँ पर ही रुके हुए हैं। थोड़ा ही चले थे लगभग 1 से 2 घंटे और यहाँ पर जाम मिल गया। जाम क्या है, आगे बस पलट गई है, तो इसकी वजह से ये जाम लग गया है। लेकिन अब खुल चुका है, तो अब हम लोग आगे की जर्नी करेंगे। सोचा था 3 से 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन 8 से 9 घंटे लगते हैं ऋषिकेश से वहाँ तक पहुँचने में। तो अभी हम लोगों को इस वाली ट्रिप में लगभग वहाँ पर पहुँचते रात हो जाएगी। खैर, मौसम भी अब अच्छा हो रहा है, देखते हैं कैसी जर्नी आगे की रहेगी, कंटिन्यूस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा था, मौसम में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, और तभी हमने गंगा रिवर में वो क्लाउड फॉर्मेशन का एक यूनिक फिनोमेना एक्सपीरियंस किया। रुद्रप्रयाग से होते हुए चमोली पहुंचते हमें शाम हो गई। हम सनसेट का मज़ा ले ही रहे थे, तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो गई और फिर तो पूरे ट्रिप का मूड ही चेंज हो चुका था। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद घाट, और इन लोगों की शक्ल देख के लग रहा होगा कि कितनी थकान भरी जर्नी रही होगी हम लोगों की। एक्चुअली हम लोगों की जर्नी थकान भरी इसलिए और भी रही है क्योंकि ये जर्नी हम लोगों की 9 से 10 घंटे की जगह 13 से 14 घंटे की होगी, क्योंकि बीच में 3 से 4 घंटे का जाम मिल गया, जिसकी वजह से फिर हम लोग वहाँ लेट हो गए। फिर यहाँ आते आते हम लोगों शाम हो गई, 7:30 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे गोविंद घाट। फिर हम लोगों ने यहाँ रूम सर्च किया तो जहाँ पर बस यहाँ पर उतार देती है आपको, तो वहीं पर रूम भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर ना लेकर रूम हम लोगों ने अंदर लिया, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम लोगों ने रूम लिया हुआ है वहीं पर पास गुरुद्वारा के बिल्कुल पास में रिवर फ्रंट है, तो वहीं पर हम लोगों ने रूम लेने की सोची। और प्राइसेस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पर हाँ बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी होटल्स वगैरह नहीं है। हम लोगों ने जल्दी से रूम लिया है और अभी सुबह सुबह हम लोगों को स्टार्ट करनी है अपनी ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर्स की। और एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब भी आप जोशीमठ गोविंद घाट के लिए आ रहे हो तो लेफ्ट साइड ही बैठें, क्योंकि लेफ्ट साइड 3 out of 4 पार्ट जो है वो जर्नी का लेफ्ट साइड से ही मज़ा आने वाला है। शुरुआत के लगभग 8 घंटे 7 घंटे बिल्कुल नॉर्मल सा, जैसे माउंटेन्स में आप ट्रैवल करते हो वैसी फील आएगी आपको, लेकिन फिर बाद के जो 1 से 2 घंटे हैं वो बहुत अल्टीमेट है, एकदम अल्टीमेट है, और डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि रोड्स ऐसा लगता है कि पहाड़ के अंदर से जा रही हूँ, पहाड़ ऊपर ऐसे करके बिल्कुल। तो बहुत बहुत एक्साइटेड ये जर्नी रही है हम लोगों की अभी तक की फ़िलहाल। हाँ, यहाँ के ज़्यादातर रूम्स में गीज़र नहीं मिलेंगे, और 1-2 ही रूम्स में हैं गीज़र मिल जाएंगे, पता कर लेना आप उसके लिए। हाँ गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग इस वजह से ये ट्रैक नहीं करते हैं इस टाइम में कि बारिश हो रही होगी या ऐसा। हम लोगों ने फोरकास्ट रिपोर्ट पहले ही बहुत सारी देख ली थी,
और फिर रिस्क तो हर जगह है, और माउंटेन्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। ऋषिकेश से लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल दिल्ली वाला टेम्परेचर था। दिल्ली की जो गर्मी है वैसी बिल्कुल फील थी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 डाउन होता गया टेम्परेचर, और अब यहाँ आकर ठंड है, ठीक ठाक है, और स्वेट शर्ट से काम चल जाएगा। और कुछ गाइस? हाँ, और कमेंट भी कर सकते हो आप, जो कुछ भी आपको लग रहा हो, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, या आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, तुरंत कमेंट में करो, हम लोग तुरंत के तुरंत रिप्लाई करने को तैयार हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पर ब्यूटीफुल पिक्स हम लोग अपलोड करते रहते हैं, और तो आप उनको देख सकते हो, अपलोड कर सकते हो, हम लोगों से ओरिजिनल प्रिंट भी ले सकते हो वॉलपेपर के लिए, तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हो आप। और भी इन्फॉर्मेशन हम लोग अपलोड करते रहते हैं पोस्ट वहाँ पर स्टोरीज के जरिए, तो आप देख सकते हो और टच में रह सकते हो हमेशा के लिए। थैंक्स।